Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, अगर आपको याद होगा कि लास्ट बारी क्लास नाइन्थ के बारे में हमने एक चैप्टर उठाया था आज से पहले 3 महीने, याद कीजिए. मैं लॉकडाउन स्टार्ट और उसी वक्त हमने ये चैप्टर भी स्टार्ट किया था. बेटी, उस चैप्टर का नाम था डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी, जरा थोड़ा याद कीजिए. बेटी, आपको यह भी याद होगा कि बायोडायवर्सिटी में हमने सबसे पहले प्लांट किंगडम को कंप्लीट किया था, उसके बाद हम एनिमल किंगडम पे आए थे. और एनिमल किंगडम को जनरली क्लासिफाई भी मैंने किया था और उसकी इंट्रोडक्शन भी दी थी बेटे. उसके बाद मैंने आपसे बताया था हायरार्की क्लासिफिकेशन, याद है? अगर नहीं है तो पिछले वाले वीडियोस देखिए ना. तो बेटे याद कीजिए, एनिमल किंगडम जो है इसको पढ़ते पढ़ते मैंने आपसे यह बताया था कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, फिर से बता रहा हूं, आज दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, तमाम दुनिया के एनिमल्स एक जगह जमा करो, क्या बनाता है? एनिमल किंगडम. क्या बनाता है? एनिमल किंगडम. तो बेटे, एनिमल किंगडम जो है, अगर आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, इफ यू वॉन्ट टू डिवाइड ऑल द एनिमल्स लिविंग इन दिस यूनिवर्स, देन व्हाट विल यू गेट? आपको क्या मिलेगा बेटे? आपको फाइलम्स मिलेंगे. मैं समझाना चाहता हूं, मैं चिल्ला रहा हूं यहां पे, मैं बोल रहा हूं आपसे, तमाम दुनिया के एनिमल्स हैं, यह तमाम दुनिया के एनिमल्स. बेटे, ये सारे के सारे एनिमल्स सेम नहीं है, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं. इसमें गधा भी है, इसमें इंसान भी है, इसमें रेंगने वाले जानवर सांप भी हैं, इसमें बेटे समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां भी हैं, इसमें बेटे उड़ने वाले परिंदे भी हैं. इसका मतलब है कि यहां सारे के सारे एनिमल्स हैं, ठीक है? अब ये जो एनिमल्स हैं बेटे, हम इनको डिवाइड करेंगे. आई वांट टू क्लासिफाई देम, मैं क्लासिफाई करना चाहता हूं. क्यों बेटे? क्योंकि मैं इसीलिए क्लासिफाई करना चाहता हूं, जिन एनिमल्स के कैरेक्टर्स अलग है मैं उनको अलग रखना चाहता हूं इस ग्रुप में, और जिन एनिमल्स के कैरेक्टर अलग है मैं उनको अलग ग्रुप में रखना चाहता हूं, और जो जिन एनिमल्स के ग्रुप यानी कि कैरेक्टर अलग है मैं उनको यहां पे रखना चाहता हूं. ये जो मैंने एनिमल किंगडम्स ग्रुप्स बनाए ना, द ग्रुप्स आर नोन एज फाइलम्स, phylums, phylums. इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट किंगडम यू विल गेट डिविजन. क्लियर? चलिए बेटे, तो एनिमल किंगडम को जब भी आप डिवाइड करते हैं यू गेट फाइलम. इसका मतलब है बेटे, फाइलम एक सब किंगडम होता है. क्लियर हुआ? अब देखिए बेटे, आगे थोड़ा सा जाते हैं. मैं याद कीजिए, हमने फाइलम्स को पढ़ा था. एनिमल किंगडम को जब भी आप डिवाइड करते हैं आपको बहुत सारे फाइलम्स मिलते हैं, लाइक फाइलम पॉलीफेरा या फाइलम स्टिपोंजिस भी उनका नाम है. दूसरा है बेटे फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा बोलो या फाइलम नाइडीरिया बोलो, बोला था. चले बेटे, अब दो फाइलम्स हमने फाइलम पॉलीफेरा भी पढ़ा और फाइलम सीलेंट्रेटा भी पढ़ा. आज हमारा बेटे तीसरा फाइलम हमारे सामने आया. मेरा मतलब है जब भी आप एनिमल किंगडम को डिवाइड करोगे आपको वहां पे फाइलम्स मिलेंगे, फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, और एक और एनिमल्स का एक ग्रुप मिलता है आपको, या एक और फाइलम आपको मिलता है बेटे. जी हां, इस फाइलम को हम नाम देते हैं फाइलम प्लैटीहेलमेंथीज, फाइलम प्लैटीहेलमेंथीज, फाइलम प्लैटीहेलमेंथीज. अगर बेटे आप यहां की ओर देखोगे, जो मैंने ऊपर एक टर्म लिखी है फाइलम प्लैटीहेलमेंथीज, ये कोई पागल था जिसने नाम दिया? ये कहां से उसने ये नाम लाया बेटे? ये किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, किसी डॉन में आपको नहीं मिलेगा बेटे. इसकी अपनी एक मीनिंग होती है, ये एक टर्मिनोलॉजी है बेटे. सबसे पहले आप अगर देखोगे फाइलम प्लैटीहेलमेंथीज बेटे मैंने लिखा है ना, देखिए ये मीनिंग, ये वर्ड बताता क्या है, इसकी मीनिंग निकलती है. असल में प्लैट, प्लैट का मतलब होता है फ्लैट, प्लैट का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मीन्स सीधे ऐसे, ठीक है ना, फ्लैट जो होता है, ठीक है. अब देखिए, एंड हेलमेंथीज का मतलब होता है वॉर्म, WORM, वॉर्म. इसका मतलब है प्लैट हेलमेंथीज, उसकी मीनिंग असल में निकलती है फ्लैट वॉर्मर्स. क्या निकलती है? फ्लैट वॉर्मर्स. तो बेटे फाइलम प्लैट हेलमेंथीज का ही दूसरा नाम है फ्लैट वॉर्मर्स. क्या नाम है? फ्लैट वॉर्मर्स, इसलिए मैंने फ्लैट वॉर्मर्स भी लिखा है. तो फाइलम प्लैटीहेलमेंथीज चाहे आप बोलेंगे या फ्लैट वॉर्म्स आप बोलेंगे, क्योंकि
प्लेट का मतलब, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, एंड हेलमिंथीज का मतलब होता है वॉर्म, ठीक है ना। वॉर्म मीन्स वो कीड़े, आपने देखा है अर्थ वॉर्म, वही उन्हीं को वॉर्म्स बोलते हैं। दुनिया में 13,000 स्पीशीज, 13,000 अक्साम, 13,000 टाइप्स, 13,000 स्पीशीज पाई जाती हैं फ्लैट हेलमिंथीज के। इसका मतलब 13,000 स्पीशीज बेटे किनकी होती है, किनकी होती है, बोलिए ना, फ्लैट हेलमिंथीज, फ्लैटी हेलमिंथीज। चले बेटे, सबसे पहले इस नाम को किसने दिया था बेटे, याद रखिए, उसका नाम था जीजनबर्ग, जीजनबर्ग अलग था, ये जीजनबर है। जीजनबर एक ऐसा बंदा है बेटे जिन्होंने, जिसने ये फ्लैट हेलमिंथीज टर्म भी दी थी। और आपको पता है एक जबरदस्त चीज है बेटे, फ्लैट हेलमिंथीज एनिमल्स हम बोलते हैं इनको, ये एनिमल किंगडम में आते हैं, बट पहले जमाने में फ्लैट हेलमिंथीज या प्लेट हेलमिंथीज बेटे, ये पहले जमाने में नहीं आते थे। प्लेट हेलमिंथीज एनिमल जो है, ये पहले जमाने में एनिमल किंगडम के साथ नहीं आते थे। बाद में जीजनबर्ग ने क्या किया, इसने बोला नहीं जी, लोगों से बताया, लोगो आपको पता है ये जो प्लेट हेलमिंथीज है, ये एनिमल कैरेक्टर इनमें पाया जाता है। तो जीजनबर्ग ने सबसे पहले प्लेट हेलमिंथीज में एनिमल कैरेक्टर देखा, और उसके बाद जीजनबर्ग ही वो बंदा है जिसने प्लेट हेलमिंथीज एनिमल, उसको एनिमल किंगडम में रखा। हालांकि इससे पहले इनको एनिमल्स करार नहीं दिया जाता था। और ये जीजनबर्ग वही बंदा है जिसने प्लेट हेलमिंथीज नाम भी दिया है, ठीक है। प्लेट हेलमिंथीज नाम किसने दिया था, जीजनबर्ग ने बेटे। अब हम इनका जनरल कैरेक्टर देखेंगे, जनरल कैरेक्टर, जैसे हमने फाइलम पॉलीफिरा में जनरल कैरेक्टर देखा था, हमने फाइलम सीलेंटेटा में जनरल कैरेक्टर देखा था। हम क्यों पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर्स, इसीलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने जेब से कोई एनिमल निकाला, पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मैंने जेब से कोई एनिमल निकाला, मैंने यहां पे लिखा, मैं आपसे बता रहा हूं बेटे ये जो एनिमल है बताइए ये कौन सा एनिमल है, आपको कहां पता चलेगा। अरे कितनों के नाम याद रखोगे, कितनों की शक्ल याद रखोगे, आपको तो अपनी शक्ल याद नहीं है। अब देखिए जरा हाथ खड़ा करो जिसको अपनी शक्ल याद है, पता मत है। अब देखे बेटे ये कोई एनिमल मैंने यहां पे रखा, इसको पहचानना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ये किस किंगडम का है, ये किस फाइलम का है, ठीक है बेटे। आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको हर एक फाइलम का जनरल कैरेक्टर याद होगा, जिसका जनरल कैरेक्टर इस एनिमल के साथ मिलेगा, आप आंखें बंद करके बोलोगे सर ये तो फाइलम फलानी के साथ ताल्लुक रखने वाला शख्स है, ठीक है बेटे। आगे जाते हैं, सबसे पहला जनरल कैरेक्टर बेटे किनका, फाइलम प्लेट हेलमिंथीज का, ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं बेटे, एंट्रेंस के लिहाज से भी मैं आपको बता रहा हूं, मोस्टली पैरासाइट्स। क्या आपको पता है पैरासाइट्स क्या होता है बेटे, देखिए पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऐसा लिविंग थिंग होता है जो किसी दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर बैठता है या उस दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है। तो जो बैठने वाला होता है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, ठीक है, और जिसकी बॉडी में बैठा जाता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो बेटे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल यह है कोई लिविंग थिंग, ठीक है, कोई दूसरा लिविंग थिंग है, वो आया, वो इस लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर बैठा, ये जो बैठने वाला है ना हम इसको पैरासाइट बोलेंगे। जरूर नहीं है बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर भी बैठा जा सकता है। अगर ये लिविंग थिंग इसकी बॉडी के ऊपर बैठा तब भी हम इसको पैरासाइट बोलेंगे, अंदर बैठा तब भी हम इसको पैरासाइट बोलेंगे। इसका मतलब है पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग्स होते हैं जो दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर या अंदर बैठते हैं। पी फॉर पैरासाइट, पी फॉर पोट्स, पोट्स आता है ना, पोट्स मीन्स मेहमान। अब देखिए बेटे पोट्स जैसा आता है, ठीक है, चले ये पैरासाइट्स होते हैं, ये जो फाइलम प्लेट हेलमिंथीज है या फाइलम फ्लैटफॉर्म्स है बेटे, ठीक है, आपको बताएं ये कहां पे बैठते हैं, ये किसी लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर या ऊपर बैठते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, ये किसी लिविंग थिंग के अंदर बैठते हैं या किसी लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठते हैं,
ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कशिर परछो बनान हे बचस दी तो आम दवा गो गोबर तिमी शेज दवा सु दवा यम स तिमिस आम अंदर नेवर नेवर। हमारी बॉडी में वॉर्म्स होते हैं ना, वो कीड़े लंबे लंबे वो अर्थवर्म जैसे हमारी एब्डोमेन में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटे, उन वो जो कीड़े होते हैं ना इधर के उन वो कीड़े जो है वो भी ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, किस ग्रुप में, फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज में। जरा मुझे बताएं वो कीड़े कहां पे बैठे, हमारी बॉडी के अंदर, जो बैठने वाला होता है उसको पैरासाइट। इसका मतलब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इसी तरह जितने भी प्लैटिहेल्मिंथीज एनिमल्स हैं लगभग मोस्टली वो सारे किसी लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर बैठते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा बेटे इनका दूसरा किनका, फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज का दूसरा कैरेक्टर कि ये डोर्सो, याद रखे डी ओ आर एस ओ, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनर, एफ एल ए टी टी ई एन ई, फ्लैटनर विदाउट बॉडी सेगमेंट, विदाउट बॉडी सेगमेंट, एस ई जी एन ई एन टी सेगमेंट। सर क्या मतलब? देखिए बेटे, अगर आप फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज का कोई भी एनिमल ले लोगे, क्या मैंने बोला, अगर आप फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज का कोई भी एनिमल लोगे और यहां पे रखोगे मेरे हाथ के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर रखो ना, यहां पे रखोगे, उसके बाद आप देखोगे बेटे ये फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज का कोई भी एनिमल आप लोगे ना, फिर मैंने यहां पे रखा ये बेटे ऊपर से भी फ्लैट होगा, फ्लैट मीन्स कशिर पर है सॉफ्ट ह्यू, बेटे नीचे से भी फ्लैट होगा, एंड आसने मीन्स स्पीड ब्रेकर खेत में बॉडी पीठ किन की, ठीक है ना, जैसे देखिए हमारी बॉडी में स्पीड ब्रेकर होते हैं, क्या होता है, आप देखिए यहां से फिर से आप देखिए ये बेटे ये फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज ऊपर से भी सॉफ्ट बराबर ऐसे होता है, ठीक है ना, जैसे मार्कर पेन आप देखिए, ठीक है ना, ये सॉफ्ट ऊपर से भी नीचे से भी, इसी को हम बोलते हैं डोर्सो वेंट्रिक्यूलर, ये वेंट्रली फ्लैट इन विदाउट बॉडी सेगमेंट। विदाउट बॉडी सेगमेंट का मतलब इनकी बॉडी में हेड अलग नहीं होता है, टेल अलग नहीं होती है, लिम्ब्स अलग नहीं होते हैं, एब्डोमेन अलग नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज जो है ये बेटे ऊपर से भी फ्लैट होते हैं, नीचे से भी फ्लैट होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर से भी फ्लैट, नीचे से भी फ्लैट, और कोई बॉडी में इनमें सेगमेंट नहीं होता है, बॉडी हेड नेक एब्डोमेन टेल क्या लिम्ब्स वगैरह अलग नहीं होता है। चले बेटे तीसरा कैरेक्टर किनका कैरेक्टर, ये जो फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज है बेटे ये बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री, मजेदार है, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब बेटे सिमेट्री, याद कीजिए जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एनिमल किंगडम का, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है जब एनिमल को हम क्या करेंगे बेटे इक्वल हाल्स में डिवाइड, बट खड़ा करेंगे डिवाइड। फर्ज में बेटे मैंने एक फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज का एनिमल लिया, आपको पता है अगर मैं एक चाकू लाऊं बेटे, चाकू से मैं इसको ऐसे कट दूं, ठीक है, कट ये पोर्शन अलग ये अलग, इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। जब आप खड़ा एक ऑर्गेनिज्म को काटोगे, आप बेटे किसी भी फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज के एनिमल को ले लो, उसके बाद इसको खड़ा रखो, फिर यहां से बेटे ऐसे कर दो ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, इसका मतलब है देखिए बेटे ये वाला पोर्शन अलग ये वाला अलग, इसका मतलब है क्या, इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। अर्थवर्म को देखो, अर्थवर्म को खड़ा करके ऐसे काटो, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री, जो पार्ट इधर वो पार्ट इधर भी, इसका मतलब उनमें बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे इंसानों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बेटे चौथा कैरेक्टर फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज का वो ये है बेटे, इनमें ये सबसे पहले फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए बेटे दुनिया में सबसे पहले आने वाले एनिमल्स, दुनिया में सबसे पहले जन्म लेने वाले एनिमल्स जो तीन जर्म लेयर से बनते हैं, जब ये फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज मां के पेट के अंदर थे ना, मां के पेट के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होते हैं, किसी को दो लेयर जिसे हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, किसी को तीन लेयर जिसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है बेटे। तो ये तीन लेयर से बनते हैं, कौन, ये तीन लेयर से बनते हैं फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज। इसका मतलब है दुनिया में सबसे पहले आने वाले एनिमल्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो कौन से है, फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज। बेटे इनमें जो फिफ्थ कैरेक्टर पाया जाता है ना फाइलम प्लैटिहेल्मिंथीज में बेटे, वो यह है कि ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, पता है ना टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ऑरियन एक होता है, जिनकी शेप एक होती है, जिनका काम एक होता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारे टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, किनमें, ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गन्स की कहां मैंने बात की, मैं बता रहा हूं टिश्यू,
इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किनमें? इनमें बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं जो एज ए सिस्टम काम करते हैं, जो एज डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते हैं, जो एज रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हैं। मींस कि बेटे इनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका मतलब छोटे हैं, छोटे सिंपल का मतलब जिसमें ऑर्गेन्स नहीं है, ऑर्गन्स मत है इसमें। ये भी बेचारे सिंपल एनिमल्स पे फिर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो जबरदस्त कैरेक्टर बेटे जो एंट्रेंस में 2020 इंशाल्लाह नीट में पूछा जाएगा, ठीक है, वो यह है बेटे कि इनमें सीलूम एक्सेंट होता है। सर यही पूछा जाएगा नीट में, क्या बता रहे हैं आप बेटे, वो मसला नहीं है, समझे ना, सीलूम एब्सेंट क्यों होता है ये पूछा जाएगा इंशाल्लाह। देखिए बेटे, फॉर एग्जांपल है फ्लैट वर्म, इधर के ये चूस टू कर्शर पे कुस सो बम सेम क्या चूतु थी मिस मानान। बहरहाल बेटे ये है वो अर्थ वर्म, अर्थ वर्म का फॉर एग्जांपल है अंदर इधर के ये चूस का सिस्टम है अंदर, ठीक है ना, कोई सिस्टम है। देखिए मैं अलग सा पेन लेना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं आपको शो कर सकता हूं बेटे, इधर के दिखाई दे रहा है। देखिए चले मैं ग्रीन से दिखाता हूं, यह इसकी अर्थ वर्म की बॉडी की दीवार, बॉडी की दीवार, बीच में क्या है कोई सिस्टम, बॉडी की दीवार और सिस्टम के बीच में जो गैप होती है बेटे, उस गैप को हम सीलूम बोलते हैं। बट अर्थ वर्म के पास सीलूम नहीं होता है सर, ये ए सीलूम होते हैं बेटे। हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखना क्या है, ये ए सीलोमेट्स होते हैं, ए सीलोमेट्स। सर क्यों, यहां जो जगह है बेटे इनमें तो सीलूम असल में होता था, बट उस सीलूम की जगह आज एक कनेक्टिव टिश्यू है, आज एक मटेरियल पाया जाता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है बेटे। क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू यहां पे पाया जाता है, जिसकी वो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वो असल में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, इधर उधर चीजों को वही भेजता है। इसका मतलब है सर क्या इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, नहीं होता है, मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि अर्थवर्म या फाइलम प्लैट हेलमिथिस के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सीलूम नहीं होता है, सीलूम की जगह एक यानी कि मटेरियल आया होता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है जो किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बेटे, ठीक है, इसलिए इनमें सीलूम नहीं होता है। सीलूम हम तब बोलते हैं जब इनमें खाली जगह होती, जगह मत है खाली, वहां पे क्या है, सीलूम की जगह कोई मटेरियल आया है, और उस मटेरियल का नाम क्या होता है बेटे, उस मटेरियल का नाम होता है पैरेन्काइमा, PARENCHYMA, पैरेन्काइमा। इसका मतलब जो सीलोम की जगह और जो मटेरियल फाइलम प्लेट हेलमिंथीज में पाया जाता है उस मटेरियल का नाम होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो ये क्या होता है बेटे, ए सीलोमेट्स, क्या होता है, इनमें सीलोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बेटे इनका जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो ये है कि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। क्या है बेटे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या मतलब सर, देखे बेटे इनमें फाइलम प्लेट हेलमिंथीज में माउथ होता है, ठीक है, माउथ होता है, ये खाते तो वहीं से हैं, ये खाते तो वहीं से हैं, बट पेशाब भी वहीं से करते हैं, पेशाब भी वहीं से करते हैं। इसका मतलब जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होती है, एक ही होल होता है, एक ही क्या खाने की जगह होती है, और पेशाब खाने की जगह भी वही होती है जहां से उन्हें खाया, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हेंस वी कैन से इन फाइलम प्लैट हेलमिंथीज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है बेटे, कौन सा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है, ठीक है। चले कुछ स्पीशीज इसके ऐसी हैं, यानी कि कुछ कसम इसके ऐसे हैं, 13,000 स्पीशीज फाइलम प्लैट हेलमिंथीज के हैं, कुछ कसम फाइलम प्लैट हेलमिंथीज के ऐसे हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है ना, मगर मोस्टली जिनके पास होता है उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। क्लियर हुआ बेटे, चल देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर मैं लिखना चाहता हूं बेटे फाइलम प्लैट हेलमिंथीज के बारे में, वो ये है, इनमें बेटे ना सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ना स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर अब देखिए बेटे, ना इनमें स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, ना इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ना बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। चलिए बेटे, इनमें न सर्कुलेटरी सिस्टम, न रेस्पिरेटरी सिस्टम, न स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। सर
फिर ये इनमें क्या होता है, देखिए बेटे मैं जबरदस्त चीज आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप तो सब और सारी चीजों को इंपॉर्टेंट बोलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटे जितना वो इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं नाइन्थ वाला पॉइंट लिख सकता हूं बेटे। देखिए सर अगर ये एक फ्लैटवर्म है, ये एक कीड़ा है जो फाइलम ये प्लैटिहेल्मिन्थीज में आता है। देखिए बेटे फॉर है कोई फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज का एनिमल, ये फिर कैसे इसको स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है? क्या ये खाली गोश्त का है? ये फिर कैसे इसकी बॉडी मेंटेन रहती है, शेप कैसे मेंटेन रहती है? हमारी शेप इस वक्त मेंटेन है, क्यों? क्योंकि हड्डियों की वजह से, स्केलेटल सिस्टम की वजह से। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता बेटे तब क्या होता, हम यह गोश्ताब जैसा होते, हम गोश्त का लोथड़े जैसे होते। बट बेटे जो फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज एनिमल है इनमें अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, इनमें अंदर से एक पानी पाया जाता है जो पानी इनकी बॉडी को मेंटेन रखता है, शेप मेंटेन रखता है। बेटे उस वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम। इस हाइड्रो मीन्स पानी, स्केलेटल सिस्टम इस हड्डियों का ढांचा। इसमें इनमें हड्डियों का ढांचा नहीं होता है बल्कि हड्डियों के ढांचे की बजाय इनमें पानी होता है जो इसको मेंटेन रखता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनमें क्या होता है, हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम। क्या होता है बेटे? हाइड्रो, मुंह बंद करके बोलो। क्या मुंह बंद करके बोलो ना, किसको आएगा? चलो बेटे इनमें टेंथ वाला पॉइंट बेटे वो यह है, इनमें हाइड्रो HYDRO हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है बेटे। नेक्स्ट वाला जो 11वां वाला कैरेक्टर है बेटे कि इनमें देखिए बेटे ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो बॉडी सरफेस करते हैं, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल यह बेटे कोई एनिमल जो फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज में आता है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम मत है। अरे बोलो ना, अगर नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटे, ये ऑक्सीजन यहां बाहर से है ना, बॉडी के बाहर से है, वो ऑक्सीजन जाएगा कहां? स्किन से अंदर। इसका मतलब बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, यहां बोल सकता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मीन स्किन वाली रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वाले, तब तक मैं आप डस्टर भी ढूंढ लेता हूं अपना, तो आप नोट भी साथ साथ बेटे ये कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं बेटे जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप ये बेटे नोट कर सकते हैं। किया ना आपने बेटे नोट? देखिए अब इधर तीन पॉइंट्स और मैं ऐड करना चाहता हूं, तीन कैरेक्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, बर्थडे अगर आप मनाएंगे, मगर मैं आपसे बता रहा हूं कि बर्थडे केक नहीं लाना है, मजा आएगा? मजा आएगा? नहीं आएगा ना बेटे। इसी तरह है ये, समझे? आपने बर्थडे मनाया, बट ये जो तीन पॉइंट्स अब मैं बता रहा हूं वो बर्थडे केक हैं। अगर बेटे मैं वो नहीं बताऊंगा तो वैसे ही है जैसे बर्थडे है बट केक ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है बेटे हमारे पास? देखिए यूट्यूब पे शॉप करान, अरे खाते तो है, करेंगे क्यों नहीं। ठीक है, ये जो फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज के एनिमल्स है बेटे, ये खाते भी हैं, ये पेशाब भी करते हैं। पेशाब जो ये करते हैं ये बनाते कैसे हैं अंदर पेशाब? इनमें तो सिस्टम मत होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम मत होता है बेटे, इनमें सिस्टम कोई होता नहीं होता है। बल्कि बेटे याद रखना, इधर देखिए बर्थडे केक है बेटे, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज एनिमल्स के अंदर अंदर बॉडी के अंदर से एक किस्म की सेल्स होती है, एक किस्म की स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज फॉर एक्सक्रीशन, फॉर वेस्ट आउटपुट। वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, पेशाब को बनाने के लिए हमारी बॉडी में किडनीज होती है, इंसान की बॉडीज में किडनीज होती है बेटे। इसी तरह फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज की बॉडी के अंदर किडनीज नहीं होती है, उनमें एक किस्म की सेल्स होती है जिन सेल्स को हम फ्लैम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैम सेल्स, FLAME, फ्लैम सेल्स, फ्लैम सेल्स बेटे। चाहे आप बोलेंगे या उन्हीं का दूसरा नाम है बेटे सोलिनोसाइट्स। ठीक है, SOLENO CYTS सोलिनोसाइट्स बेटे, इन्हीं सोलिनोसाइट्स का तीसरा नाम है प्रोटोनेफ्राइडिया। ठीक है, क्या? PROTO, प्रोटो NEPHRIDIA,
प्रोटोनेफ्राइडिया, चाहे बेटे प्रोटोनेफ्राइडिया बोलेंगे या सोलिनोसाइट सेल्स बोलेंगे या फ्लेम सेल्स बोलेंगे, ये एक ऐसी सेल्स होती है जो बेटे फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज की बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो एज किडनी का काम करते हैं, जो क्या यूरिन को बनाते हैं, जो पेशाब को बनाते हैं, किन में? फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज में। समझ आया? चलिए बेटे, जब ये सर पेशाब करते हैं, यूं क्या शून्य भर का रहा है, ये अमोनिया बाहर निकालते हैं। बेटे जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया बाहर निकालेगा एज वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे? बोलो ना। चले बर्थडे केक मैं आप ही को देता हूं। अच्छा बोलिए, क्या जो अमोनिया निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अमोनियोटिलिक। वेरी गुड, उनको क्या बोलते हैं बेटे? अमोनियोटिलिक। हिमिस दिया अमोनियोटिलिक, अमोनियोटिलिक, अमोनियोटिलिक। बेटे 33 यानी कि 13th वाला कैरेक्टर किनका? इन फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज का वो है बेटे कि इनमें जो है वो नर्वस सिस्टम जो है बेटे ये जबरदस्त है। बर्ड के ऊपर जो कैंडल्स होते ना, ये वही कैंडल्स जैसे हैं, ठीक है? देखिए बेटे, फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। हाँ, नर्वस सिस्टम। क्या नर्वस सिस्टम? बट वो नर्वस सिस्टम जो है बेटे वो कुछ लैडर लाइक होता है। हे अच्छा, उसमें सीढ़ी देखी है? वो सीढ़ी जैसी होती है, लैडर लाइक होती है, ठीक है ना? लैडर, LADDER, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देखिए बेटे इनका नर्वस सिस्टम कैसे होता है। नर्वस सिस्टम फर्स्ट में लिया है फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज का कोई भी एनिमल। देखिए इसमें नर्वस सिस्टम कैसे होता है, अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन से दो रस्सियां जैसी निकलती है, ठीक है? ये ब्रेन है और ब्रेन से दो रस्सियां जो है ये दो नर्व्स निकलती है ना, लैडर ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, लैडर जैसा नर्वस सिस्टम। इसका मतलब इनमें क्या पाया जाता है? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है बेटे। वो जबरदस्त लास्ट वाला कैरेक्टर ये है। हाँ चले, बर्थडे भी है, केक भी लाया, कैंडल्स भी चलाए, अब चाकू नहीं है, नाइफ नहीं है बर्थडे केक काटने के लिए। बेटे वही वाला पॉइंट हो लास्ट है, फिर जब काटा जाता है जो बर्थडे खत्म, फिर क्लैप्स तो खास सारा खत्म हो जाता है, ठीक है बेटे? वही वो यही है वो पॉइंट। क्या मतलब सर? मैं बताना चाहता हूं बेटे आपको, जो ये फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज है ना, अरे लास्ट वाला पॉइंट है, टेंशन मत ले लो ना। इन ये जो है ये बाइसेक्चुअल होते हैं। बाइसेक्चुअल सर, आपने आज नई टर्म का इस्तेमाल किया, बाइसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट्स। क्या नाम है? HERMA, हर्मा PHRODITES, हर्माफ्रोडाइट्स। अरे बेटे सर, आप बोले, आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स, नाउ सर आपको कैसे इतना याद रहता है? देखिए बेटे, बादाम खाया करें, उससे क्या होता है, दुनिया में बादाम कम हो जाएंगे, ठीक है? चलिए इधर के बेटे, जो बाइसेक्चुअल एनिमल्स है वो ये भी होते हैं। मेरा मतलब है, ये कौन है? फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज के एनिमल। सर क्या मतलब बाइसेक्चुअल? देखिए ये है फर्स्ट में बैठे फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज का एनिमल, इनमें मेल और फीमेल्स नहीं होते हैं। अरे सर वाह जी वाह, आप क्या बातें कर रहे हैं, इनमें मेल और फीमेल नहीं होता है, फिर इनके बच्चे कैसे बनते हैं? बेटे आपको बताए इनमें क्या होता है, इनमें मेल भी यही, फीमेल भी यही। सर क्या मनाएंगे, ये छुत्य, आप देखिए न छुस्त न छस, ये क्या बनाया छुत्य इधर के बड़े। इनमें मेल सेक्स सेल भी होती है, इनमें फीमेल सेक्स सेल भी पाई जाती है। तला विन तो बा खुद ही छू इच्छा मेल कैन फीमेल। अरे बेटे इनमें मेल सेक्स सेल भी है, इनमें फीमेल सेक्स सेल भी है, जिस भी लिविंग थिंग की बॉडी में मेल सेक्स सेल भी होती है, फीमेल सेक्स सेल भी बनती है, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं बाइसेक्चुअल एनिमल, या बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट्स। क्या बोलिए? बाइसेक्चुअल एनिमल, या बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट्स। बेटे ये फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज जो है, या फ्लैट मम्मी जी ने हम बोलते हैं, या जो क्या बोलते हैं इन्हें, ये वॉर्म्स जो होते हैं, इनमें ये बाइसेक्चुअल होते हैं, इनमें दोनों किस्म की सेक्स सेल्स पाई जाती हैं। सर क्या ये रिप्रोडक्शन नहीं कहते? नहीं बेटे, यही मेल सेक्स सेल इस फीमेल सेक्स सेल के साथ मिलके फिर बच्चे बनाएगा। क्या बनाएगा? बच्चा बनाएगा, बच्चा बनाएगा, बच्ची बनाएगा। चले एक ही बात है, इसका मतलब आपस में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन? फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज। ये बेटे कैरेक्टर्स का एंड हो गया, अब हम देखेंगे कि इनमें यूनिक फीचर क्या पाया जाता है। यूनिक फीचर का मतलब वो कौन सा कैरेक्टर है इनमें जो किसी और में नहीं है, जो किसी और में, जो किसी भी फाइलम में नहीं है, जो इसी में है खाली। बेटे वो ये है, पहला ही जो कैरेक्टर इनमें है वो ये है कि इनमें सीलोम की जगह क्या पाया जाता है, एक कनेक्टिव सबस्टेंस जिसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनमें पैरेन्काइमा
कहां एज ए कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, ये खाली इनमें फाइलम प्लेटिस में और किसी भी ऑर्गेनिज्म एनिमल में नहीं पाया जाता है। दूसरा, इनमें सोलोनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं या फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं या बेटे प्रोटोन या फ्राइडिया सेल्स पाई जाते हैं जो किसी भी एनिमल में नहीं होते हैं। यही खाली वो एनिमल्स होते हैं फाइलम प्लेटिस जिनमें वो फ्लैम सेल्स पाई जाती है। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए, पेशाब को बाहर निकालने के लिए। बेटे नेक्स्ट कैरेक्टर इनका जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, मींस कि एक्स्ट्रा मींस जो खाली इनमें है, यूनिक कैरेक्टर जो इनका है वो ये है, इनमें लैडर लाइक क्या नर्व सिस्टम होता है, लैडर लाइक नर्व सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनमें नर्व सिस्टम सीढ़ी जैसा होता है जो किसी में नहीं होता है सीढ़ी जैसा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर वो ये है बेटे, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब आप टॉपिक लिखना यूनिक कैरेक्टर जो इनमें है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये आपस में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म उसमें दोनों सेक्स सेल्स पाई जाते हैं। अभी बोला ना ये एक ही ऑर्गेनिज्म है फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस का, इसे मेल सेक्स सेल आई फीमेल सेक्स सेल कैसा मिल गई बच्चा बनाया, ठीक है। इसका मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, दोनों सेक्स सेल्स पाई जाती है और आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, वो आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये चार इनके बेटे क्या है, या इनके यूनिक कैरेक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। अब बेटे हमने इनका यूनिक कैरेक्टर भी देखा, ठीक है, और पहले अभी मुझे याद आया, असल में पहले मुझे ये गलती हो गई है इसमें, ठीक है, पता नहीं मैं कहां चला गया था। तो बेटे ये जो फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस होते हैं, आप एक चीज आपको खाली रेक्टिफाई करें, एक कैरेक्टर इनमें टिश्यू लेवल नहीं है, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सॉरी मैं उस वक्त पता नहीं कहां चला गया था, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाते हैं, टिश्यू लेवल इनमें नहीं होते, मींस कि इनमें ऑर्गन्स होते हैं किसके लिए, काम करने के लिए, यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए इनके पास ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी मैं समय टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा मैं चला गया था, उनमें टिश्यू लेवल होता है, इनमें नहीं होता है, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो मैंने कैरेक्टर नंबर फोर्थ वहां पे फिर बताया था, ठीक है ना, सॉरी फिफ्थ वाला कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे क्लास फाइव, यानी कि हम तमाम दुनिया के फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस एनिमल्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई, मींस के अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे तमाम दुनिया के किड को, प्लेटिहेल्मिंथीस को, प्लेटिहेल्मिंथीस को कितने हम क्लासिफाई करेंगे हम, यानी कि उनको तीन ग्रुप्स में बांटेंगे। सबसे पहले किंगडम एनिमिलिया को, देखिए बेटे क्या है, मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल बेटे हमारे पास किंगडम एनिमिलिया है, देखिए यह है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया, समझे बेटे, लास्ट वाला पॉइंट है किंगडम एनिमिलिया, तमाम दुनिया के एनिमल्स यहाँ पे है, हमने तमाम दुनिया के एनिमल्स को किसमें बांटा, फाइलम्स में, या फाइलम सिपोन्स या फाइलम पॉलीफेरा या फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, तीसरा कौन है बेटे, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस, वेरी गुड, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस या फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस, तमाम दुनिया के अर्थ वॉर्म्स यानी वॉर्म्स जो है वो इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो गोबर ये सहते हैं, ठीक है ना, वो इसी में आते हैं, वो जो सांप जैसे छोटे छोटे होते हैं ना, वो इसी में आते हैं, सांप नहीं आते हैं बल्कि अर्थ वर्म जो है हमारे पेट में जो आम शाम आसम तुम ये इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। देखिए फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस, अब फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस को भी मैं डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, ठीक है। सबसे पहला जो इनका यानी कि ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं टर्बुलेरिया, टी आर बी यू एल एल ए आर आई, टर्बुलेरिया या टर्बुलेरिया, टी टी आर या टी यू आर भी बोलो, कुछ बुक्स में टी आर टी यू आर लिखिए आप स्पेलिंग टी यू आर बी यू एल एल ए आर आई ए, टर्बुलेरिया। दूसरा जो है बेटे वहां ट्रिमेटोडा, टी आर ई एम ए टी ओ डी ए, ट्रिमेटोडा, ये क्या है दूसरा, देखिए मैं कहां कहां से चला गया। तीसरा है कास्टोडा, सी ए एस टी ओ डी ए, कास्टोडा, ठीक है। ये तीन टाइफ्स हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस के, ठीक है बेटे। तो चलिए मुझे खाली इजाजत दीजिए आप, पर उससे पहले एक चीज बेटे, सारे कैरेक्टर्स याद नहीं रखने हैं, जो यूनिक कैरेक्टर हैं इनका अभी जो मैंने बताया बस वही याद रखने हैं, बस वही याद रखने हैं, यूनिक कैरेक्टर, बाकी कहां याद रहेगा, यूनिक कैरेक्टर याद रखो, आगे चलो।